नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गुप्ता और आपका स्वागत करता हूँ द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस चैनल पे मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी। ठीक है, अभी तक आप जो बायोलॉजी मतलब अभी तक जो आप साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब सेवेंथ एट्थ ठीक है या सिक्स तक जो आप बायोलॉजी पढ़ के आएँ, उसमें क्या था कि जो साइंस थी वो डिवाइड नहीं थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, मतलब एक ही बुक में आपको तीनों चीज़ प्रोवाइड कराए जाते थे। लेकिन अब क्या थे, अब हायर क्लासेस में जब हम नाइन्थ में आ गए हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको अलग अलग डिवाइड करते हुए पढ़ना है। ठीक है, एंड बायोलॉजी मैं पढ़ाऊँगा तो आप में बायोलॉजी का पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बेसिक जानेंगे, थोड़ा बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिर चैप्टर में इंटर कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर में एंटर कर लेंगे। सो ये जो आपके बायोलॉजी है, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना है, दो शब्दों से मिलके बना है। एक शब्द है बायोस एंड दूसरा शब्द है लॉगोस, बायोस एंड लॉगोस। ठीक है, ये बायोस लॉगोस दोनों ग्रीक वर्ड हैं और इसका मतलब क्या होता है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, एंड लॉगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम केवल लाइफ की स्टडी करते हैं। नहीं समझ में आया, लाइफ मतलब क्या होगी, कोई भी चीज़ जिसमें आप, कोई भी वस्तु है जिसमें लाइफ है, आप कह दें कि कोई भी वस्तु है जिसमें जीवन है, लाइफ है, तो वो क्या होगी, है ना। कोई वस्तु है अगर उसमें लाइफ है तो वो मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। यही तो कहोगे आप कि वो मतलब क्या है, जीव है। ठीक है, अगर कोई चीज़ है जिसमें लाइफ होगा वो क्या होगी, जीव होगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होगा तो मतलब वही है कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोल दो या स्टडी ऑफ लाइफ बोल दो, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है, बायोस एंड लॉगोस, बायोस मतलब लाइफ एंड लॉगोस मतलब स्टडी। इतना ठीक है, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने डिफिनीसन दी हुई है, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ, अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे लाइफ, जीवन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म की अध्ययन किया जाएगा। और समझिए, ये जो ब्रांच बनाया था है ना, ये हमारे एक साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल। साइंटिस्ट का नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने ये ब्रांच बनाई, कौन सी ब्रांच, बायोलॉजी, मतलब इसमें हम केवल ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करेंगे। इसकी खोज किसने की थी, अरिस्टोटल ने की थी, इसीलिए अरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब ये तो बायोलॉजी के फादर हो गए, मतलब जनक। ठीक है, लेकिन इसका नाम, बायोलॉजी नाम किसने दिया। ठीक है, तो जो बायोलॉजी टर्म है, टर्म वाज कॉइंड बाय, टर्म किसने दिया, टर्म कॉइंड बाय, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे आपके, एक थे लैमार्क, दूसरे ट्रेवियंस। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नाम दिया। घर में ऐसा होता ना कि जो पापा हैं ठीक है, वो तो जन्म देने वाले हैं, एंड दूसरे फिर क्या है कि घर में नाम कोई और देता है, वैसे ही बायोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, अरिस्टोटल है, और जो बायोलॉजी जो नाम दिया गया, टर्म दिया गया, वो किसके द्वारा दिया गया, लैमार्क एंड ट्रेवियंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बायोलॉजी, है ना, मतलब जीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन जीव एक्चुअली में जीव क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म। जनरली आपसे पूछूंगा जीव क्या होते हैं, आप इतना ही बताएंगे कि हम जीव हैं, है ना, कुत्ता बिल्ली सारे जीव हैं, क्या पौधे भी जीव हैं, हाँ पौधे भी जीव हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जीव क्या होते हैं, एक डिफिनीशन से समझाऊंगा कि
एन ऑर्गेनिज्म इज एन डेवलपिंग एंड फंक्शनिंग सिस्टम दैट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली। पहले तो इतना जान लीजिए कि अगर साइंस में आपको सिस्टम वर्ड सुनने को मिला है तो मतलब ऐसी चीज़ है, इस यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। कुछ भी चीज़ है, आपको मार्कर है, ठीक है, ये भी एक सिस्टम है, हम भी सिस्टम है, यूनिवर्स में आपको कुछ भी देखने को मिला है वो सिस्टम है। और एक एक सिस्टम को आपने कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए आपने इसको सिस्टम कहा, तो बाकी इसके अलावा सारा कुछ सराउंडिंग है। साइंस की लैंग्वेज में सिस्टम क्या होता है, जिसको आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाए, कोई वस्तु दे दी जाए और पूछा जाए कि ये ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी सिस्टम आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप वो ऑर्गेनिज्म है, तो आप क्या देखोगे और कैसे बताओगे कि वो ऑर्गेनिज्म है, तो आप कैसे बोलेंगे? एन ऑर्गेनिज्म इज डेवलपिंग, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो सिस्टम है, उसमें क्या होनी चाहिए? डेवलपमेंट होनी चाहिए। डेवलपमेंट माने ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। एंड फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब क्या है, उसमें मूवमेंट हो, है ना, और सारे फंक्शन कर पाता हो वो ऑब्जेक्ट, तो वो ऑर्गेनिज्म है। एंड नेक्स्ट पार्ट लिखिए, दैट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, इसका मतलब ये है वो बाहर के वातावरण के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया दे। जैसे आपको कोई कील चुभोएगा तो आप तुरंत हाथ उठाएंगे, हटाएंगे, क्योंकि आपको सेंस हुआ, आपको पेन हुआ, आपको दर्द हुआ, तो आपने तुरंत हाथ हटाया। तो वैसे ही बाहर वातावरण से आपको कुछ भी चेंजेस दिए जाएं, जैसे आप रात में सो रहे हैं और अचानक से घर की लाइट चली जाती है, आपको बहुत तेज़ गर्मी लगती है, तो आपकी नींद खुल जाएगी, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ तो आप उसके प्रति क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो वैसे ही अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो उनमें तीन कैरेक्टर तो पाए ही जाएंगे, एक तो उनमें ग्रोथ होगी, दूसरा वो फंक्शन मूवमेंट कर पाएंगे, एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब वो बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर पाएंगे, अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे। एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है लेकिन वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते, एक्सटर्नल स्टिमुली के प्रति रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ उनमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, है ना। प्लांट्स लैक्स नर्वस सिस्टम, प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता, ठीक है, इसलिए वो बाहरी वातावरण के प्रति अनुक्रिया नहीं करते। पेड़ों को चाहे जितना काटो, जितना मारो, वो हमको मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सेंस ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें नर्वस सिस्टम अब्सेंट होता है, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप अभी जान गए ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन मैंने बताई, उसके बारे में आप जान गए। ऑर्गेनिज्म आपको जनरली क्या देखने को मिलते हैं, जनरली ऑर्गेनिज्म क्या देखने को मिलते हैं, है ना। बाकी ऑर्गेनिज्म तो बहुत हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे ही ऑर्गेनिज्म हैं। जनरली आपको दो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते होंगे, एक तो एनिमल, ठीक है, और दूसरे प्लांट्स, एक एनिमल एंड दूसरे प्लांट्स, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या आते हैं, एनिमल्स में हम भी आते हैं, कुत्ते बिल्ली आते हैं, ये सारे, एंड प्लांट्स में पेड़ पौधे, ठीक है। तो एनिमल्स, मैं फिगर बनाता हूँ थोड़ा, ये जैसे एनिमल्स हो गए, एंड ये प्लांट्स वगैरह, ठीक है, ये प्लांट्स हैं, ठीक है। तो साइंस में ये
साइंस की जैसे ब्रांच है बायोलॉजी, वैसे बायोलॉजी आगे ब्रांच बनाती है एक का, जिसमें हम एनिमल का साइंस, बायोलॉजी में तो हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, एंड ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, एनिमल एंड प्लांट्स। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनिमल की स्टडी करेंगे उसे हम बोल रहे हैं जूलॉजी, एंड बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम केवल और केवल प्लांट की स्टडी करेंगे उसे हम बोलेंगे बॉटनी। हाँ, तो फिर एक बात और आती है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के फादर कौन है, अरिस्टोटल। तो ये दो जो ब्रांच बनी नई, बॉटनी एंड जूलॉजी, इसके फादर कौन है? तो लिखिए फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी हैं अरिस्टोटल, ही जूलॉजी के फादर हैं, जो कि बायोलॉजी के भी फादर हैं, ठीक है। एंड फादर ऑफ बॉटनी, बॉटनी के फादर है थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के बारे में जाना, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना, ऑर्गेनिज्म की डिफिनीशन जानी, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के, एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल की स्टडी जूलॉजी एंड प्लांट्स की स्टडी बॉटनी, उसके भी फादर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर में इंटर करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।